नॉकआउट मुकाबले में बल्लेबाजों और गेंदबाजों की शानदार प्रदर्शन से दिल्ली ने लखनऊ को हराकर किया आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से बाहर और खुद दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी को पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 से बाहर निकालकर पहुंची टॉप 5 में। दिल्ली के जीत के बाद चेन्नई और राजस्थान टीम को भी मिली पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी, जबकि हार के बाद लखनऊ टीम को लग चुका है बड़ा झटका। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, आखिरकार कैसे दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को हराकर कर दी है प्लेऑफ से बाहर और कैसे खुद पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी आज की वीडियो में। अगर आप भी हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज आईपीएल 2024 का 64वां डू और डाई मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स टीम के बीच खेला गया, जहां पर आज लखनऊ के कप्तान ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद फिर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स टीम की शुरुआत थोड़ी खराब रही। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे फ्रेजर मैकगर्ग इस बार कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और गोल्डन डक होकर जल्दी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद फिर बल्लेबाजी करने आए साय होप ने अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही तूफानी शॉट लगानी शुरू कर दी और दोनों ने मिलकर पावर प्ले में 73 रन जड़ दिए और इसके बाद भी दोनों ने तूफानी पारी खेले और 92 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली, जहां पर दोस्तों अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों में 5 चौके 4 छक्कों से 58 रन बनाए तो वहीं साय होप ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए। फिर बल्लेबाजी करने आए कप्तान ऋषभ पंत ने ट्रिस्टन अस्टब के साथ मिलकर मोर्चा संभाला, ये दोनों भी शानदार बल्लेबाजी किए 47 रनों की अच्छी साझेदारी कर डाली। इस बीच दोस्तों कप्तान ऋषभ पंत 29 गेंदों में 33 रन बनाकर वापस लौट गए, मगर दूसरी ओर दोस्तों ट्रिस्टन अस्टब ने अपनी तूफानी पारी जारी रखी और ऑलराउंडर अक्षर पटेल के साथ अंतिम में 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली, जहां पर ट्रिस्टन अस्टब ने बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेले और मात्र 25 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 57 रन ठोक दिए, जबकि अक्षर पटेल ने आखिरी में 14 रन बनाए। और इन सब की इस तूफानी पारियां की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 208 रनों का बड़ा टारगेट लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने खड़ा कर दिया। लखनऊ टीम की ओर से दोस्तों नवीन उल हक को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिला, तो वहीं फिर इसके जवाब में टारगेट को चेज करने उतरी लखनऊ टीम की शुरुआत बहुत ही घटिया रही। दिल्ली के गेंदबाजों ने पहले ओवर से ही कमाल की गेंदबाजी करी और लखनऊ के टॉप 4 बल्लेबाजों को पावर प्ले के अंदर पवेलियन भेजकर लखनऊ टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जहां पर आपको बताएं कि कप्तान राहुल 5 रन, डीकॉक 12, अस्टोनिश 5 तो हुड्डा ने 0 रन बनाए, जिसके बाद फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने आकर टीम को एक छोर से संभाले रखा। पूरन ने आते ही गेंद को सिर्फ हवा में सेर कराते नजर आ रहे थे, मगर दूसरी तरफ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की किफायती गेंदबाजी के आगे लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे थे और अपना विकेट गंवाते जा रहे थे। हालांकि लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या ने पूरन के साथ अच्छी बल्लेबाजी किए, मगर इस बार दोस्तों दिल्ली ने निकोलस पूरन को आउट कर बड़ा झटका दे दिया। पूरन ने अपनी इस तूफानी इनिंग में 27 गेंदों का सामना किया और 6 चौके और 4 छक्कों से 61 रन बनाए, जिसके बाद दोस्तों फिर बल्लेबाजी करने आई अरशद खान ने आकर लखनऊ के जीत के उम्मीदें को ताबड़तोड़ 50 जड़कर बनाए रखे, मगर दोस्तों अंतिम ओवर में एलएसजी को चाहिए थे 25 रन, लेकिन दिल्ली ने आखिरी ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और इस रोमांचक मुकाबले को 19 रनों से जीत गई। अरशद खान ने एलएसजी की ओर से मात्र 33 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों से 58 रन बनाए। इस जीत के बाद दोस्तों दिल्ली ने 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करके प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, जबकि एलएसजी अब हो चुकी है आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से बाहर। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं इस रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल के पहले पोजीशन पर कोलकाता नाइट रीडर की टीम मौजूद है, जो अब तक हुए टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें केकेआर टीम 9 मुकाबले में जीती है और मात्र 3 मुकाबले ही हारी है और एक मुकाबला का कोई नतीजा नहीं निकला है। केकेआर के पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 19 अंक है और यह टीम दोस्तों आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंच गई है। तो वहीं दूसरे पोजीशन पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है, जो अब तक आईपीएल में कुल 12 मुकाबले में भिड़ी है, जिसमें 8 मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबले में उसे हार मिली है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आरआर टीम के फिलहाल 16 अंक है और ये भी टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंच गई है। वहीं तीसरे पोजीशन पर आपको बताएं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बनी हुई है, जो अब तक बढ़िया खेल दिखाया है और ओवरऑल 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें शेष के 7 मुकाबले में सफलता पाई है, जबकि 6 मुकाबले में उसे हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों सीएसके टीम के फिलहाल 14 अंक है और ये टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है।
बात करें चौथे पोजीशन की तो यहां पर दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की टीम मौजूद है जो अब तक ओवरऑल टूर्नामेंट में 12 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें हैदराबाद ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है और 7 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। एसआरएच के पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों 14 अंक है और ये भी दोस्तों प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। वहीं पांचवें पोजीशन पर आपको बताएं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आ गई है और दिल्ली अब तक टूर्नामेंट में कुल 14 मुकाबले खेली है, जिसमें 7 मुकाबले में जीती है और 7 मुकाबले में हार चुकी है। डीसी के पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों 14 अंक है और दिल्ली भी दोस्तों प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। वहीं दोस्तों छठे पोजीशन पर आरसीबी की टीम आ गई है और आरसीबी अब तक कुल 13 मुकाबले खेली है, जिसमें वे 6 मुकाबले जीती है और 7 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आरसीबी टीम के फिलहाल 12 अंक है और आरसीबी टीम भी दोस्तों प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। वहीं सातवें पोजीशन पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खिसक गई है। एलएसजी अब तक हुए टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेली है, जिसमें एलएसजी 6 मुकाबले में जीत पाई है और 7 मुकाबले में हार मिली है। एलएसजी के पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों फिलहाल 12 अंक है और एलएसजी टीम दोस्तों प्लेऑफ की रेस से अब बाहर हो चुकी है। वहीं बात करें आठवीं पोजीशन की तो यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। इस साल जीटी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और जीटी अब तक यहां पर दोस्तों 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें ये 5 मुकाबले में जीती है और 7 मुकाबले हार चुकी है। जीटी के फिलहाल दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 11 अंक है और जीटी भी दोस्तों प्लेऑफ की रेस से अब बाहर हो चुकी है। वहीं पॉइंट्स टेबल के 9वें पोजीशन पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। एमआई टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें एमआई बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है और मात्र 4 मुकाबले जीती है और 9 मुकाबले हार चुकी है। एमआई के पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों 8 अंक है और ये दोस्तों ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों पॉइंट्स टेबल के आखिरी और 10वें पोजीशन पर पंजाब किंग्स की टीम पहुंच गई है। पंजाब अब तक आईपीएल में कुल 12 मुकाबले खेली है, जिसमें पंजाब मात्र 4 मुकाबले जीती है और 8 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पंजाब किंग्स के 8 अंक है और आपको बता दें कि पंजाब भी अब आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आईपीएल 2024 का ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।